अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। दिल्ली देहरादून बाईपास पर कैलाशी अस्पताल के निकट सड़क पार कर रही एक बुजुर्ग महिला को तेज गति से आ रही कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला करीब 10 फीट ऊपर उछल गई। चालक ने कार को रोककर नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही भीड़ को अपनी ओर आते देखा वह कार को भगा ले गया। इस आशय की एक CCTV फुटेज वायरल हो गया है। इसमें सड़क पार करती बुजुर्ग महिला व उनकी कार से होती टक्कर साफ नजर आ रही है। ये सड़क हादसा 9 अक्टूबर को हुआ था। इस हादसे का शिकार हुई महिला का नाम शारदा रानी है। 62 वर्षीय शारदा कंकरखेड़ा श्रद्धापुरी निवासी पंकज कुमार की मां थी। वह जब सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी तो दिल्ली की तरफ से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। अब जब परिजनों ने तहरीर दी तो पुलिस हरकत में आई। आसपास के CCTV खंगाले गए तो इस हादसे की पूरी जानकारी हुई। अब CCTV फुटेज के आधार पर कार चालक की तलाश की जा रही है। देखिए हादसे की CCTV फुटेज। स्लो मोशन में करते हैं आराम से वीडियो बनाओ। देखो एक्टिव है बिल्कुल। हाँ जी बताओ। ड्राइवर की गलती बस इतनी है कि वो टाइम का ब्रेक नहीं लगा पाया। टाइम ब्रेक लगाया तो थे बहुत आगे तक बीता है। ब्रेक बहुत कड़े मारे तो थे उसने। बहुत कड़े ब्रेक मारे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv।